हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मींस GIF। ठीक है, मींस कहने का मतलब यह है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, हम लोग इसमें ट्रिक से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा ट्रिक्स ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स TX, ठीक है, और लोअर लिमिट जो है A है, अपर लिमिट क्या है B है, मींस A से B है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, इसको हम लोग प्रॉपर मेथड अप्लाई ना करके यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रिक्स क्या है, आपको क्या करना है, लोअर लिमिट से शुरू करना है। ठीक है, लोअर लिमिट क्या है, a प्लस वन, ठीक है, एक एक इंक्रीज करना है, a+1 + a+2, ठीक है, और कहाँ तक जाना है, b-1 तक। ठीक है, b-1 मीन्स जो अपर लिमिट है उससे जस्ट एक पहले, ठीक है, b-1 तक रुक जाना है। और एक कंडीशन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ए बी है, मीन्स ए और बी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तभी ये ट्रिक्स आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ए और बी इंटीजर हो तो आप ये ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं बिना सोचे समझे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन कहां से शुरू है, माइनस वन मीन्स लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है 3। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, तो हमारा शॉर्ट ट्रिक्स क्या था कि हम लोग लोअर लिमिट से शुरू करते हैं, ठीक है, और एक एक इंक्रीज करके जाते हैं, कहां तक, अपर लिमिट से जस्ट एक पहले। ठीक है, तो माइनस वन लोअर लिमिट है, प्लस इसमें एक आप जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 0। ठीक है, फिर इसमें आप एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1, फिर आप एक जोड़ने वाले हैं इसमें क्या मिलेगा, 2। ठीक है, अपर लिमिट क्या है, 3, तो इसे जस्ट पहले एक पहले जाना है। ठीक है, तो 2 तक हम लोग गए। अब देखिए, 1-1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, 2 आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये रहा ट्रिक्स, बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 to 7 है, लोअर लिमिट -3, अपर लिमिट 7 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक है, अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर मेथड अप्लाई ना करके हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रिक्स फिर से अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा ट्रिक्स क्या था, लोअर लिमिट से शुरू करेंगे, ठीक है, -3, फिर इसमें आप क्या कीजिए, एक जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा, -2। ठीक है, इसमें एक जोड़िए तो -1, फिर एक जोड़िएगा तो 0, फिर एक जोड़िएगा तो 1, ठीक है, फिर एक जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 2, इस तरह आपको 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, प्लस 6 तक जाएंगे। क्यों, क्योंकि अपर लिमिट क्या है, 7 है, तो 7 से जस्ट एक पहले तक जाना है, मीन्स अपर लिमिट जो होगा उससे जस्ट पहले। ठीक है, और ये कब अप्लाई करना है, जब ये इंटीजर हो, तो -3 जो है लोअर लिमिट इंटीजर है, और 7 भी जो अपर लिमिट है ये भी इंटीजर है। ठीक है, तो -3 से कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है। क्यों, क्योंकि अपर लिमिट से जस्ट एक पहले तक जाना है। ठीक है, एक एक जोड़ना है और अपर लिमिट से जस्ट एक पहले जाना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या है, -3, और -3 कैंसिल, -2 कैंसिल आउट हो गया, फिर -1 और 1 कैंसिल, तो क्या बचा, 4 + 5 + 6। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 15। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ट्रिक्स क्या है, लोअर लिमिट से शुरू करना है, एक एक इंक्रीज करना है, और अपर लिमिट से जस्ट एक पहले तक जाना है। ठीक है, कंडीशन है अपर लिमिट लोअर लिमिट इंटीजर होना चाहिए, तभी आप ये ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोअर लिमिट है 0, 0 to 10, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 10, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डीएक्स। तो फिर से हम लोग वही ट्रिक्स अप्लाई करने वाले हैं, लोअर लिमिट से शुरू कर लेंगे और एक एक इंक्रीज करते चलेंगे, 0, 1, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, 9 तक जाके रुक जाना। क्यों, क्योंकि जो अपर लिमिट होगा उससे जस्ट एक पहले तक हमें जाना है। ठीक है, लोअर लिमिट से शुरू करना है, अपर लिमिट से जस्ट एक पहले तक जाना है। ठीक है, 0 से लेके 9 तक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, 9 × n (n+1)/2, 9 × 10/2, तो क्या हो जाएगा, 45। हमारा आंसर हो जाएगा 45। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।